नमस्कार, आप ये देख रहे हैं गिटार, जिसमें आज आपको अलंकार बताएंगे। और वास्तव में अलंकार ऐसी चीज़ है, अगर इसको मिनिमम दो जगह से जान गए आप बजाना, जहाँ से नेचुरल, जहाँ से मैंने फ्रेट्स पकड़ा हुआ है, और फिफ्थ फ्रेट से बजाना सीख गए, तो यही रूल बाकी सारी फ्रेट से यूज होते हैं। और इसके बाद आपके लिए कोई भी गाना बजाना, खुद से निकालना आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये ऊपर से थर्ड फ्रेट पर जाएंगे, और यहाँ सा रे गम आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सा, फिर खुले पर रे, फिर ग, फिर ये खुले पर प, ध, फिर खुले पर आगे वाला नी और सा। तो इस तरह से ये पिछले लेसन में मैंने बताया है कि सा नी ध प म ग रे सा। अब इस पर आप अलंकार बजाएंगे, तो क्या करना है, डाउन अप करेंगे, सा 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 सा, दबाना इसी को है, और सा एक बार नीचे एक बार ऊपर, सा सा हो जाएगा, सा सा। फिर इसको खुले पर, ऊपर से तीसरा जो तार है ये खुले पर, नीचे से चौथा गिनते हैं, ये खुले पर रे 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 रे, फिर ग, मतलब एक तार को जितनी बार छेड़ना है डाउन अप। आप इधर देख सकते हैं, इधर की डाउन अप ग, तो हमेशा ध्यान रहिए कि जब एक तार को कई बार दबाना है तो ऊपर नीचे डाउन अप ग, फिर आगे म म, फिर उसके नीचे वाला खुले पर प प, तीसरा तार प प, फिर ध ध, फिर उसके नीचे वाला सेकंड तार नी नी नी, और फिर सा सा, वही चीज सा सा, फिर नी नी, फिर ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। अब इसको खूब मेहनत करना होगा, पहले शुरू में सारे गमों को सा रे ग म प ध नी सा नी ध प अब पहले इसी को दो बार दुगुन, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसके बाद अलंकार एक, सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अब इसके बाद तीन तीन बार सा सा सा, तो एक को तीन बार, तो डाउन अप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे सा, फिर नीचे से ऊपर सा, फिर सा, तो सा सा सा। उसी तरह से सारे रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। अब इसको बढ़िया से तैयार करें, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा। अब इसके बाद अलंकार नंबर तीन, हारमोनियम के अलंकार जो फाइनल टच चैप्टर हैं वो देख सकते हैं, उस पे सारे अलंकार लिखे हुए हैं। आगे सा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा इस तरह से बजा देंगे। तो हारमोनियम में फाइनल टच अलंकार हैं, उस चैप्टर को जरूर देखेंगे, उसमें सारे अलंकार लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से अभ्यास करें, सा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा रे सा। उसके बाद चौथा अलंकार, सा रे गा मा, चार चार सुर, रे गा मा पा गा गा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा रे मा गा रे सा। इसी तरह से सारे अलंकार बजा देंगे, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा गा गा रे मा मा गा पा
मा धा धा पा नी नी धा सा 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 धा धा नी पा पा धा मा मा पा गा गा मा रे रे गा सा सा। यही वाला सारा रूल और भी दो अलंकार हैं उसी के अकॉर्डिंग आप बजा लेंगे। फिफ्थ फ्रेट से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ फ्रेट से सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे वही तार फिर नीचे वाला गा मा फिर ये लिटिल फिंगर से पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसी को डबल सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। ये रूल हर जगह से लगेगा वही जैसे सा इंडेक्स रे रिंग फिर नीचे वाले पर गौ पर इंडेक्स फिर साथ में मिडिल फिर लिटिल फिर ध इंडेक्स फिर रिंग और लिटिल। ये रूल हर जगह के लिए यहाँ से सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा मा गा रे सा वही चीज इधर से कहीं से भी बच जाएगा। और सारे अलंकार सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। यही रूल इधर लग जाएगा सा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा रे गा रे सा। इसी तरह से सारे सारे फ्रेट से यही रूल लगा के बजा सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी ज़रूरत हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।